हेलो बच्चों, आज मैं आप लोगों को क्लास सिक्स की आपके पास जो न्यू एनसीईआरटी की बुक है ना, उसमें हमने चैप्टर नंबर सेवन फ्रैक्शन से स्टार्ट कर रखा है। लास्ट क्लास में मैंने आप लोगों को पेज नंबर 160 तक की एक्सप्लेनेशन दे दी थी। चलिए आज पेज नंबर 161 मिक्स फ्रैक्शन का एक कंसेप्ट है, यहाँ पर इसे जानते हैं ये क्या होता है। देखो यहाँ पर आपसे कह रहे हैं फ्रैक्शन ग्रेटर देन वन, यू मार्क्ड सम फ्रैक्शन ऑन अ नंबर लाइन अर्लियर। जैसे कि आपने यहाँ पर ऊपर कुछ फ्रैक्शन को मार्क किया, याद है ना, हमने लास्ट क्लास में ये सीखा था। तो आपसे ये कह रहे हैं, डिड यू नोटिस दैट द लेंथ ऑफ ऑल द ब्लू लाइंस वर लेस देन वन एंड द लेंथ ऑफ ऑल द ब्लैक लाइंस वर मोर देन वन। क्या आपने एक चीज़ नोटिस की, जितनी भी ये ब्लू लाइंस थी इनकी जो ये लेंथ थी ये लेस देन वन थी, और जो ब्लैक वाली थी वो मोर देन वन थी, वन से ज़्यादा है। और आप देख लो है ही ज़्यादा, और आपने क्वेश्चंस किए होंगे तो आपको पता ही है कि ज़्यादा ही है। वही कह रहे हैं, राइट डाउन ऑल द फ्रैक्शंस यू मार्क्ड ऑन द नंबर लाइन अर्लियर। तो लेस देन वन वाली यहाँ पर लिख देना और मोर देन वन वाली यहाँ पर लिख देना, कुछ भी नहीं करना, जो आपने ये ऊपर फिल किया है ना सिर्फ इन्हें लिख देना है। जैसे कि यहाँ पर है 1/2, वन से छोटा है, और ये आपके पास कितना है, यहाँ पर 1 लिखा हुआ है यहाँ पर, और यहाँ पर 2 है, तो ये आपके पास कितना हो जाएगा, 1/1 है, तो ये 3/2 है आपके पास, तो ये 1 से बड़ा नंबर है, तो इसको यहाँ लिख देना 3/2, और यहाँ लिख देना 1/2। ठीक है, ऐसी जो ये ब्लैक वाली लाइंस की है, जितने भी फ्रैक्शंस हैं वो सब आपको क्या कर देने, मेंशन कर देने, क्योंकि ये सब वन से बड़े हैं, तो सारे आपको इसी कॉलम में ही मेंशन करने हैं, इसमें एक भी नहीं आएगा। फिर क्लियर हुआ कि नहीं, डिड यू नोटिस समथिंग कॉमन बिटवीन द फ्रैक्शंस एंड दैट आर ग्रेटर देन वन। क्या आपने कुछ चीज़ नोटिस की जो फ्रैक्शन वन से बड़े हैं उनके अंदर, अब वो क्या है कुछ चीज़, वो देखिए। इन ऑल द फ्रैक्शंस दैट आर लेस देन वन यूनिट द न्यूमिनेटर इज स्मॉलर देन डिनोमिनेटर। कह रहे जितने भी वन से छोटे फ्रैक्शंस हैं, हर एक केस में न्यूमिनेटर छोटा होता है, डिनोमिनेटर बड़ा होता है। आप देख सकते हो न्यूमिनेटर 1 है, डिनोमिनेटर 2 है ना। लेकिन जो फ्रैक्शन 1 से बड़े होते हैं उनमें न्यूमिनेटर बड़ा होता है और डिनोमिनेटर छोटा होता है। 5/2 ले लो, ये भी 1 से बड़ा है। 6/2 ले लो, 1 से बड़ा है। 7/2 ले लो, 1 से बड़ा है। तो इन सब केसेस में न्यूमिनेटर बड़े हैं और डिनोमिनेटर छोटे हैं, ठीक है ना। तो वी नो दैट 3/2, 5/2, 7/2 ऑल आर ग्रेटर देन 1, बट कैन वी सी हाउ मेनी होल यूनिट्स दे कंटेन। होल यूनिट्स मतलब होता है एक पूरा पार्ट। जैसे एक एग्जाम्पल से समझो, पहले ये मैंने यहाँ पर ये दो चपाती बना दी, ये हमने स्टार्टिंग में भी समझा था अगर आपको याद होगा तो। तो ये वाली चपाती मैंने पूरी खा ली है और ये वाली चपाती मैंने हाफ ली है। तो एक तो मैंने पूरी खाई है, इसको बोलते हैं होल यूनिट, जो मैंने पूरा ले लिया, कंज्यूम कर लिया या पूरा ले लिया। ये हाफ लिया है तो इसका फ्रैक्शन हो जाएगा 1/2। एक तो पूरी चपाती और एक आधी चपाती। तो वही चीज़ वो यहाँ पर कह रहे हैं, क्या मैं बता सकती हूँ कि इसमें पूरी होल यूनिट्स कितनी है। बिल्कुल बता सकते हैं। 3/2 को आप लिख सकते हो 1/2 प्लस 1/2 प्लस 1/2, देख सकते हो ना। अब 2/1/2 और 2/1/2 मिलके क्या हो जाएंगे, 2/2। तो ये तो कट के 1 हो गया प्लस 1/2, तो इसमें एक पूरा होल है और एक आधा है, ठीक है। ऐसी 5/2 को आप ये लिख सकते हो, दो हाफ मिलके 1 हो जाता है, ये आप याद रखना। वैसे भी आपको पता होगा, दो हाफ मिलके, दो आधी आधी रोटी मिला दो तो एक पूरी रोटी बन जाती है ना, तो बस ऐसे याद रख लो, दो हाफ मिलके 1 हो जाता है। तो ये दो हाफ मिलके भी 1 हो गया, 1+1 2 हो गया। तो इसमें दो यूनिट तो होल है और एक आधी है, क्लियर है। अब 7/2 का करना हो तो आप कर सकते हो कैसे, 1/2 प्लस 1/2 प्लस 1/2 प्लस 1/2 प्लस 1/2 प्लस 1/2, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7। तो ये दोनों हाफ मिलके 1, ये दोनों हाफ मिलके 1, ये दोनों हाफ मिलके 1, ये हाफ अकेला रह गया। तो इसमें तीन यूनिट पूरी है और एक यूनिट आधी है, क्लियर हो गया ना। चलिए नेक्स्ट पे आते हैं। फिगर इट आउट में दो ही क्वेश्चन है, छोटे छोटे हैं, वो भी बहुत आसान है। अरे पहला तो वही पूछ लिया, हाउ मेनी होल यूनिट्स आर देयर इन 7/2। अभी हमने ऊपर ही किया ये, तो इसको क्लियरली यहाँ पर लिख देते हैं, 1/2 प्लस 1/2 प्लस 1/2 प्लस 1/2 प्लस 1/2
प्लस वन बाय टू प्लस वन बाय टू, तो ये दोनों हाफ मिलके वन हो जाएंगे, ये दोनों हाफ मिलके वन हो जाएगा, ये दोनों हाफ मिलके वन हो जाएगा, और एक वन बाय टू ऐसी है, तो आंसर आ जाएगा थ्री प्लस वन बाय टू, जिसको आप थ्री वन बाय टू लिख सकते हो। तीन यूनिट तो पूरी होल है और एक आधी है, ठीक है। अब नेक्स्ट में कह रहे हैं हाउ मेनी होल यूनिट्स आर देयर इन फोर बाय थ्री एंड सेवन बाय थ्री, सेम ही है, फोर बाय थ्री है तो इसको लिखोगे वन बाय थ्री, वन बाय थ्री, वन बाय थ्री, वन बाय थ्री। अब देखो यहाँ नीचे डिनोमिनेटर थ्री है, इस चीज़ का ध्यान रखना। तो अब तीन मिलके वन बनेगा, जब डिनोमिनेटर टू था तो दो मिलके वन बन रहा था, अब वो चपाती तीन भागों में बट गई है, ठीक है ना। तो जब तीनों चपातियों को जोड़ दोगे उन तीनों टुकड़ों को तो एक चपाती बनेगी, तो ऐसी है तीन मिलके ये वन हो गया और एक वन बाय थ्री ऐसी है, तो इसका आंसर आ जाएगा वन वन बाय थ्री। इसे ही बोलते हैं मिक्स फ्रैक्शन। सेम ऐसी सेवन बाय थ्री है, वन बाय थ्री प्लस 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 वन बाय थ्री, ठीक है ना। इन तीनों को मिला के वन बन गया, इन तीनों को मिला के वन बन गया, तो इसका मतलब वन प्लस वन प्लस वन बाय थ्री, आंसर आ जाएगा टू प्लस वन बाय थ्री, तो टू बाय थ्री, टू वन बाय थ्री। इसके अंदर दो यूनिट पूरी है और एक यूनिट वन थर्ड है, क्लियर है। तो आज हमने ये फिगर इट आउट कर लिया, पेज नंबर कौन सा है हमारे पास, 162 पे जो था। अब नेक्स्ट क्वेश्चन, आगे के फिगर इट आउट नेक्स्ट क्लास में करेंगे। कहीं दिक्कत लगे कमेंट करके ज़रूर पूछिए, वीडियो अच्छी लगे लाइक ज़रूर कीजिए, फ्रेंड्स के साथ ज़रूर शेयर कीजिए। इस चैनल पे इस बुक के सारे सॉल्यूशंस मिलेंगे आपको। थैंक यू।